और बात करेंगे छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के, जहां पर रायपुर के सरस्वती थाना पुलिस ने जानलेवा हमले के चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिसमें से दो आरोपी नाबालिग हैं। पुरानी रंजिश को लेकर कुश और लव ने अपने दो नाबालिग साथियों के साथ मिलकर शंकर साहू पर जानलेवा हमला कर फरार हो गए हैं, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार किया है। दरअसल बीते दिन सूर्या देवार ने थाने में पीड़ित शंकर साहू को जान से मारने की कोशिश का मामला दर्ज करवाया था। प्रार्थी ने बताया कि आरोपी छोटू देवार ने चाकू से शंकर के पेट में जानलेवा हमला कर फरार हो गया है। पुलिस ने मामले में गंभीरता दिखाते हुए कार्रवाई की है और चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है। सभी के खिलाफ में आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। नगर थाने में दो दिन पहले जो है दो गुट में मारपीट की थी। इसमें जो है एक गुट ने जो है दूसरे पर चाकू चलाया था, जिस पर 300 साल का बाद पंजीबद्ध किया गया था। आरोपियों की तलाश की जा रही थी, इसमें से जो है अभी 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। इसमें दो नाबालिग हैं, अभी विधिवत कार्रवाई की।